हेलो विद्यार्थी मित्रों, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? शाम को सब अपने घर लौटते हैं। यहाँ पे एक गांव का दृश्य है जिसमें लोग शाम के समय अपने घर जा रहे हैं। तो आज हम ष वर्ण को सीखने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, ये श हम बोलते हैं तब मुंह से हवा जैसे बाहर आ रही है, ऐसे ये श बोलना है। श श जैसे सीटी बज रही हो वैसे हमें ये श बोलना है। श श श से शाम, श से शीशा, शीशा यानी आईना, श से शरबत, श से शरबत, श से शहद, शहद यानी हनी, श से शहद, श से शलगम। बच्चों, शलगम आपने खाया है, इसे कहते हैं शलगम। और श से शंख, श से शंख। तो बच्चों, सबसे पहले आपको श वर्ण को बोलना है। अब उसके बाद श के नीचे लकीर खींचो तथा बिंदुओं को जोड़कर श को पूरा करो। चलो बच्चों, सबसे पहले इन बिंदुओं को जोड़कर हम अच्छे से श को लिखते हैं। श से शाम, श से शीशा, श से शलगम। चलो, ये है स से शीशा। तो श वाले शब्द के नीचे अंडरलाइन। श से शरबत, श से शहद, श से शलगम और श से शंख। तो बच्चों, आपको ऐसे ही आपको आपकी वर्कशीट 74 में अच्छी तरह से लिखना है। चलो, कुछ प्रश्न है जिसका उत्तर हम जानते हैं। सूर्य कब डूबता है? बच्चों, सुबह सूर्य उगता है और शाम को सूर्य डूबता है। पक्षी अपने घर कब लौटते हैं? बच्चों, आपने देखा है सुबह सुबह के टाइम में बहुत सारे पक्षी आते हैं और जब शाम का टाइम होता है तो सारे जो पक्षी हैं वो अपने घोंसले की ओर चलते हैं। देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो चलो, उसके बाद हम श लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, शीट नंबर 75। चलो बोलेंगे और लिखेंगे। सबसे पहले हम शिरोरेखा बनाएंगे, इसके बाद श से शीशा, श से शंख, श से शाम और श से शहद। बच्चों, ऐसे सारे श आपको बोलकर लिखना है। नीचे दिए गए शेर के चित्र में रंग भरे, तो श से शेर भी होता है। तो बच्चों, आपको ये शेर के चित्र में अच्छी तरह से क्रेयॉन से आपको कलर भरना है। शेर की आवाज को क्या कहते हैं? शेर की आवाज को दहाड़ कहते हैं, जिसको गुजराती में गर्जना कहते हैं, हिंदी में कहते हैं शेर की दहाड़। तो बच्चों, आज हमने श वर्ण को सीखा। आपको आपकी वर्कबुक में शीट नंबर 74 और शीट नंबर 75 पर आपको आपकी वर्कशीट में इतना होमवर्क करना है।